हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, आज दिन भर की फाइनेंशियल न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बात करें मार्केट की, तो मार्केट आज काफ़ी ग्रीन रहा। पता नहीं ये शायद फेसबुक और जियो की जो मिलाप हुई है उसको लेके रहा, क्या रहा कहना मुश्किल है। खैर, निफ्टी 205 पॉइंट और सेंसेक्स 742 पॉइंट ऊपर रहा। पूरी मार्केट अच्छी रही, ग्रीन रही, जिसमें कि ग्लोबल मार्केट कल टूटा हुआ था, फिर भी इंडियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और पूरी तरह से ग्रीन रही। काफ़ी स्टॉक ऊपर रहे, बहुत स्टॉक नीचे भी रहे, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो अच्छी बात है कि मार्केट ग्रीन में थी। बहुत लगभग 3.5 लाख करोड़ का वेल्थ ऑलरेडी नीचे जा चुका है, तो अच्छी बात है, कुछ रिकवरी हो रही है। खैर, इधर फेसबुक ने 2.99% स्टॉक ले लिया है रिलायंस जियो में, जिसके लिए उसने 43,574 करोड़ रुपये का पेमेंट किया है। इसके साथ ही साथ रिलायंस ने कहा है कि वो अगले साल 2021 मार्च तक वो डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। उनका ये मानना है कि इसके बाद वो अपने पूरे डेट को चुका देंगे और ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी और इस कंपनी के स्कोप और फ्यूचर काफ़ी बड़े रहेंगे। अब मार्केट में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फेसबुक और रिलायंस की इस पार्टनरशिप के बाद वोडाफोन और एयरटेल पे क्या इसका इम्पैक्ट करेगा, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन अभी देखते हैं कि ये किस रास्ते किधर क्या बैठते हैं। इधर ओयो ने ऑलरेडी परेशानी झेल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में टूर एंड ट्रेवल हर चीज़ बंद हुई पड़ी है। इधर ओयो ने 25% सैलरी कट कर दी है सभी की, और काफ़ी इंडियन एम्प्लॉई को बोला है कि अभी आपको लीव पे ही रहें, अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इधर आरबीआई के जो इंटरेस्ट पेमेंट के नॉर्म्स थे उस पर होल्ड लगाने की वजह से 2,40,000 करोड़ के आसपास की लिक्विडिटी कंपनी में पंप हुई है, ये आरबीआई का मानना है। इधर ट्रंप ने क्या किया है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। 60 डेज के लिए ग्रीन कार्ड पे होल्ड लगा दिया है, यानी उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका के लिए पहले सब चीज़, उसके बाद कोई चीज़ होगी। अब देखते हैं कि आईटी कंपनी का क्या होता है और किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। इधर नेटफ्लिक्स में 15.8 मिलियन सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बहुत बड़ा नंबर है, वो अपने टारगेट से डबल हो चुके हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो बढ़त है वो टेम्पररी है, वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी, स्पेशली लॉकडाउन के बाद और ये कोरोना के बाद क्या होता है वो कहना बहुत मुश्किल है। इधर इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है ना, 2 डेकेड के अपने लोएस्ट पे है, यानी कि ऑयल प्राइस की वो क्रूड प्राइस का जो प्राइस है वो लोएस्ट है 2 दशक के हिसाब से। इधर साउथ कोरिया ने 200 बिलियन का पैकेज दिया है अपने कोरोना अपनी देश को, ताकि वो कोरोना वायरस से लड़ के आगे बढ़ सके। इधर मारुति के लिए अच्छी खबर है कि उनके मैनेसर ब्रांड के लिए गवर्नमेंट ने काम स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन कंडीशन के साथ कि जो एमएचए के रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करेंगे और सिंगल शिफ्ट में चलेंगे, डबल शिफ्ट अभी अलाउड नहीं किया है या उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। इधर सेबी ने कहा है कि वो फंड रेजिंग प्रोसेस को ईज करेगी, ताकि जो कंपनी स्पेशली फंड रेजिंग के कैश क्रंच में, वो फंड रेज आसानी से कर सके और अपनी कंपनी को सर्वाइव करा पाए और लड़ भी पाए इस कोरोना वायरस के मुहिम में, एक तरह की मदद कही जा सकती है। वो अभी सेबी ने भी बहुत तरह के अनाउंसमेंट किए हैं ताकि इस तरह की चीज़ों से लड़ी जा सके। इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रोज़ कुछ ना कुछ पॉलिसी लेके आ रही है, कुछ अनाउंसमेंट हो रहे हैं, ताकि एक तरह का कम्फर्ट बना रहे, बिजनेस भी चल पाए, जीवन भी चल पाए और काम भी हो पाए। तो ये विन विन सिचुएशन रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी के सिनारियों में ज़्यादातर लॉकडाउन होने की वजह से सीआईए का भी मानना है कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको अब ओपन कर देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत तरह की प्रॉब्लम हो रही है। इधर फूड सप्लाई चेन को भी लेके काफ़ी चिंता बताई जा रही है कि ये एक हो सकता है कि कुछ दिनों में इसकी प्रॉब्लम देखी जा सकते है। खैर, आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ आएंगे और पूरे दिन की फाइनेंशियल न्यूज़ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ के साथ आपको अगर हमारे और वीडियोज़ देखने हैं तो आप हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और OTT पे जाके फायर TV, एप्पल TV और जियो TV पे आप हमें देख सकते हैं। तो मैं हिमांशु कुमार विदा लेता हूँ, थैंक यू।